इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी 2020 की। आप सबको शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की। आप आरबी ऑर्गेनिक फार्म्स की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे मुर्गों की तरफ से, हम लोग हमारे फार्म पे हैं आज। और अच्छा, मैं सोचा आज 1 जनवरी, तो थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं राजा सिंह हूँ एंड आई एम अ सर्टिफाइड पोल्ट्री फार्मर। मैंने कोर्स किया, इग्नू से 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें आपको सिखाते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करते हैं, पूरी पोल्ट्री मुर्गियों को कैसे पाला जाता है और आप इनकी मोर्टेलिटी कम कैसे करें। तो आज मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कड़कनाथ को कैसे पालते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी छोटी स्टोरी बताता हूँ। हमने आज से 3 साल पहले शुरू करा था। मैं जयपुर गया था घूमने, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या बिज़नेस कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं कड़कनाथ का बिज़नेस कर रहा हूँ। तब मैंने सुना था और मैं बहुत सरप्राइज हुआ, अच्छा ऐसी भी कोई ब्रीड होती है। एंड मैं बहुत फूडी हूँ, हम लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। मेरे दादाजी हफ्ते में 3 बार नॉनवेज बनाते हैं, चिकन मटन, तो हम लोग बहुत शौकीन थे नॉनवेज खाने के। तो कड़कनाथ सुन के मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हुई, मैंने सोचा मेरे को भी करना चाहिए। तो ठीक है, मैंने नाम सुना, फिर आया, फिर मैंने सोचा पालने से पहले, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं तो पालने से पहले थोड़ी पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, ताकि हम फेल ना हो। तो मैंने कोर्स किया 6 महीने के बाद। फिर हमारे पास ये लैंड है, दादाजी ने यहाँ से 30 साल पहले लिया था निज़ामुद्दीन में हिमायटों के पास। तो हमने फिर सोचा शुरू करते हैं। तो पहले हमने अपने घर के लिए किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम दादाजी के साथ जाके 30-40 मुर्गे लेके आए, मुर्गे मिक्स लेके आए और हमने पाले। तो हमने अंडे खाए, बड़े टेस्टी थे। हमने एक बार मुर्गा भी ट्राई किया, बड़ा टेस्टी था। तो 2-3 साल पाला, उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना इसको इसके जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्यों ना लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं। तो हमने इसको एक्सपैंड करने का सोचा। फिर हमने 2018 में इसके 6 लेके आए और हमने पालना शुरू करा। एंड फॉर्चुनेटली जब हम लेके आए, तो तभी न्यूज़ भी मार्केट में आई कि विराट कोहली को MP गवर्नमेंट ने इसको रिकमेंड किया है कि ये खाना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल कम है और इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और इसमें आयरन ज़्यादा है और बहुत सारी प्रॉब्लम को हील करने के काम आता है। अच्छा, तो ठीक है, हमने सोचा पालते। तो हमने पालना कहाँ से शुरू किया, हम लेके आए पहले चिक्स। पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब आप चिक्स लेके आए ना, मेक श्योर कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करें। टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए जहाँ पे आप बच्चों को रखते हैं। एंड इसको प्री स्टार्टर दें, जो बॉयलर का भी प्री स्टार्टर आता है वो इसको दे सकते हैं। तो वो आपको 2 महीने कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। 2 महीने के बाद इसको आप, और मीनवाइल इसको कुछ कोई दवाई ववाई देने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही पल जाता है। लोग मुझसे पूछते कोई इंजेक्शन दवाई, मैं कहा नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सस्टेन कर जाता है। बस इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और साफ पानी दें और दाना भी साफ तरीके से दें। दूसरा, जब इसको आप पालें तो ये मेक श्योर कि सफाई मेंटेन रहे। इसका जो बरूदा है जहाँ पे आप इसको रखते हैं वो चेंज करते रहें, और इसको थोड़ा सा खुला एनवायरनमेंट दें। अगर मैं थोड़ा सा उधर दिखाऊँ आपको, तो वो हमारा शेड है, तो पीछे शेड है और आगे उतना ही बड़ा हमने ओपन एनवायरनमेंट बनाया है मुर्गियों के लिए घूमने के लिए, और मुर्गे यहाँ पे घूमते रहते हैं हमारे साथ में। तो ये थोड़ी देसी ब्रीड है, जंगली ब्रीड है, तो इसको घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। अगर इसको बंद करोगे एग्रेसिव हो जाएगी, मतलब गुस्से में रहेगी और प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ये स्ट्रेस में रहेगी। तो जितना रहे खुश रखिए। और ये खाने लायक कब होता है, ये खाने लायक हो जाएगा ठीक 4.5 महीने बाद, और अंडे भी तब आना शुरू हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर सारी मुर्गियाँ अंडे देने लग जाएंगी। तो ये इसको बस अब बेस्ट पार्ट के है, आपको 2-3 महीने तक दाना दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, हरी सब्जियां, हरे पत्ते, अभी घर में बचा खाना, पीछे जो सब्जियों के छिलके बच जाते हैं मंडी से बचा हुआ, अब दे सकते हैं, ये उस पर पल जाएगा, ज़रूरी नहीं आप दाना ही दें इसको। ये बेस्ट पार्ट है, इसलिए आपकी थोड़ी कॉस्ट बच जाएगी दाने से, क्योंकि दाना बहुत महंगा है आजकल। तो और साफ पानी दें, बाकी अपने आप पल जाएगा, जैसे देसी मुर्गियाँ पलती हैं। इसको पालिए, अगर आपको शुरू करना है, जैसे हमने भी छोटे लेवल से शुरू करा था, आप लोगों का रिस्पांस आया तब हमने इसको बढ़ाया, वरना हमने नहीं बढ़ाया। किसी की बातों में ना आए कि सर हमसे 1000 बच्चे ले लीजिए, हम आपसे बाई बैक, हम आपसे वापस खरीद लेंगे 600 का या 50 का अंडा, वो सब गलत बातें हैं, उन अफवाहों पे यकीन ना करिए। आप अपने हिसाब से 50-100 से पालिए, आसपास लोकल मार्केट में इसको प्रमोट करिए, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा लोग मांगते हैं तो बढ़ाइए, वरना ज़्यादा इसमें रिस्क मत लीजिए, अपनी जमा पूंजी मत लगाइए। ये अच्छी ब्रीड है करने के लिए, बट क्या है 6 महीने तो इसको शुरू में अपनी जेब से ही पालना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। तो ये बातों का ध्यान रखिए, बाकी बहुत अच्छी ब्रीड है, सबसे अच्छी बात है मरती नहीं है, बस इसका क्या है टेम्परेचर मेंटेन करिए तो बहुत बढ़िया पलेगी, जिंदा रहेगी, कुछ नहीं होगा, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, कुछ खास देने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से पालिए। बाकी बहुत डिमांड है इसकी हमारे, हम तो दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो जैसे जैसे हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो हमसे बहुत लिखते हैं,
बहुत लोगों को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कभी कोई आए थे हमारे पास तो वो लेके जाते रेगुलर अंडे हमसे। अभी किसी को जोड़ों में दर्द था तो उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, वो हमसे लेके जाते हैं अंडे, हर हफ्ते 100 अंडे के आसपास ले जाते हैं, तो ये डॉक्टर बहुत रिकमेंड कर रहे हैं। तो आपको अच्छी सेहत के लिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए तो यह कड़कनाथ इज बेस्ट। और हम लोग दिल्ली में इतने पॉल्यूशन में रहते हैं तो ये हमारा पीसफुल फार्म है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। लोगों की सेहत के लिए हम कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है। और ये फार्मिंग भी हमारी खुद के लिए है, हमने आलू उगाया है उधर, हमने और सब्जियाँ उगाई हैं, तो ये हमारे खुद की घर की फार्मिंग के लिए हम कोई मकसद कुछ कोई वैसा इंटेंशन नहीं है कि हमें कुछ मोटा पैसा कमाना है। बट हाँ, बस ये हम आप सबकी हेल्थ के लिए एंड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि बस एक ये ब्रांड बने पूरी मार्केट में, इसको इंडिया में लोग जाने कड़कनाथ क्या है, क्या बेनिफिट है, पूरी दुनिया में लोग जाने। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल करिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे पालना है, कहाँ से पालना है, कोई क्या कुछ दिक्कत हो रही है इनको तो पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपकी हेल्प करना चाहूँगा। और बाकी ये नया साल आप सबके लिए शुभ रहे, और मेरे को कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।